wrong, ring 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 ये क्या कर दिया मासी, मुझे बाऊजी बना दिया। जब भी इस रिंग की ज्यादा जरूरत होती है ये सबसे ज्यादा गड़बड़ करती है। आप हमेशा गड़बड़ करते हो। ला मुझे रिंग दो, मैं राइट मैजिक करता हूँ। नहीं नहीं, ये रिंग मैं तुझे नहीं दूंगी, मैं ये कुछ करती हूँ। रिंग रॉन्ग रिंग, ये बंटी जो बाऊजी के रूप में है ये मानसी के रूप में आ जाए। रिंग रॉन्ग रिंग, क्या हुआ? रिंग गुम गई, गुम गई। अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर है, रिंग होगा। रिंग को ढूंढो। माँ 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 माँ, तू सपने में भी इतना चिल्ला रहा है? माँ बाहर बाऊजी को बंटी कह रहा है कि वो मानसी भाभी है, जबकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बाऊजी है। और तो खुद बाऊजी ये कह रहे हैं कि वो मानसी भाभी है। अब माँ ऐसे कैसे हो सकता है कि जो मुझे बाऊजी दिख रहा है और बंटी को भाभी? डड्डू डड्डू डड्डू, तू बहुत बोला है रे। ये सपना है और सपने में कुछ भी हो सकता है। देख, मैंने दीनू के लिए हलवा बनाया है और आज मैं उन्हें खिला के ही रहूंगी रे। मानसी को अपनी नई रूबी रिंग दिखा के चलाती हूँ, मजा आएगा। मेरा हलवा। हाय आंटी, कैसी हो? ओ वाओ, हलवा, व्हाट अ वार्म वेलकम। भूखी औरत, ये मुंह और मुंह का हलवा ये सिर्फ मेरे उनके लिए। हाँ आंटी, आज आप कैसी अजीब सी बातें कर रही है। बेइज्जती कर रही हूँ तेरी। अब तू जा, भगवान ने दो हाथ दिए, जाके कुछ काम काज कर और जोर जोर से घंटी बजाना छोड़ दे, चल जा। अरे आंटी हलवा, अरे आंटी। ये अच्छा है, सपने में किसी को कुछ भी कह दो बुरा भी नहीं लगता। अब हकीकत में तो मैं बिंदु को ये सब नहीं बोल सकती थी ना। इतनी बेइज्जती मेरी आज तक आंटी ने कभी नहीं की। अच्छा भूखी औरत, बिंदु के मुंह पे दरवाजा मारो, सजा मिलेगी, इसकी सजा जरूर मिलेगी। सपना सपना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसका सपना है, कौन सोया है। एक काम करता हूँ, अपने कमरे में जाके देखता हूँ, अगर तुम्हें वहां सोया हूँ तो ये सपना है, लेकिन अगर मैं वहां नहीं सोया हूँ तो अरे किसके सपने में सपना देख रहा हूँ, कौन सोया है, कहाँ सोया है? आशी, रिंग मिली क्या? अब तो कंफर्म हो गया कि ये सपना है और इस सपने को सबको देखना चाहिए। माँ, भाभी, बंटी, अच्छी, अजय भैया ने हमें देख लिया, अभी तुम्हारी डबल ट्रिपल है ना, और ट्रिपल ट्रिपल बनने वाली है। जल्दी रिंग को ढूंढो, जल्दी ढूंढ, जल्दी ढूंढ। मिल गई, मिल गई। अब जल्दी से मुझे मानसी मासी बना दो। माँ, सपने में बाऊजी का डबल रोल चल रहा है, मजरा आराम से सोच के बताइए, बाऊजी का कोई जुड़वा भाई तो नहीं था जो कुंभ के मेले में बिछड़ गया था? डड्डू डड्डू, कैसी बातें कर रहा है तू? रिंग रॉन्ग रिंग, ये बंटी के बाऊजी के रूप में है, ये मानसी के रूप में आ जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। मैं मासी बन गया। मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ, लेकिन ये सपना है, सपने में कुछ भी हो सकता है। मैं टेरेस पे था तो मैंने अपनी आंखों से दो दो बाऊजी देखे। चलिए मैं आपको दिखा, देखिए दो दो बाऊजी। डड्डू, आंखें खोल बेटा। लेकिन तू आंखें भी कैसे खोलेगा सपने में जो है, ध्यान से देख। एक मूछों वाले बाऊजी, एक बिना मूछों वाली बहू। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है मैं सपने में सपना देख रहा हूँ। माँ, मैंने अपनी आंखों से टेरेस से दो दो बाऊजी देखे थे। डड्डू, अब ना तू मेरे सपने को डिस्टर्ब मत कर। तीनों, हलवा ठंडा हो जाएगा। नहीं नहीं गुड्डी, मेरे पेट में इतनी सी भी जगह नहीं है। ओफो दीनू, सपने में तो जगह ही जगह है। चलो बहू, मेरे लिए चाय बना के लाना। जी नानी। है? नानी? जी माँ जी, लाती हूँ। अजय भैया, आप चाय पियोगे? हाँ पी लूंगा। अच्छा? थोड़ी सी। भैया, भाभी, भगवान, ये क्या हो रहा है? बाऊजी, माँ जी, बंटी, ये रानू जाने वाले कि ला 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 ला। बंटी क्या कर रहा है? देख रहे, प्रेस कर रही हूँ, लग जाएगी तो। और सुन,
होमवर्क नहीं करना है क्या? अरे होमवर्क बाद में मासी। होमवर्क बाद में बाय। खैर जा, मैं देखती हूँ। अरे राज भाई साहब आप बाबूजी ये दरवाजा खोलने की आदत फोन खुलवाएगी। बाबूजी ये कैसे हो सकता है? हाय 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 बंटी राज अरे राज भाई साहब आप बाबूजी कहाँ हैं? बाऊजी बाऊजी कहाँ है? दरवाजा तो मैंने खोला। नहीं 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 मैंने बाऊजी को देखा अभी। आपको ना बहुत नींद आ रही है, आप घर जाके सो जाइए। नहीं 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 मैंने 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 अपनी आँखों से देखा, उन्होंने दरवाजा खोला था मेरे लिए। अरे अंकल आपको नींद आ रही है। बंटी के अंकल मेरे भाई साहब। हाँ मासी ने तो इतने डायलॉग्स बताए थे। कुछ नहीं बाय। तो गड़बड़ है। हाय हाय बंटी वो क्या कर रही थी? अरे मासी मैंने सब संभाल ली है, टेंशन मत लो। अरे वाह तूने तो कमाल ही कर दिया बंटी, सिर्फ 5 घंटे रह गए ऐसी एक्टिंग करता रहा। ठीक है तब तक मैं जाती हूँ मांझी के पास। ओके इसको पकड़। गुडे गुडे आई एम श्योर। राज तुम मेरे घर की तरफ से क्यों आ रहे हो? अबे चंपू तू मेरा बैग ले गया था। हाँ, ला, वही लेने गया था। लेकिन तुम इतने हक्के बक्के, मेरा मतलब है इतने बौखलाए हुए, नहीं मेरा मतलब है इतने बिखरे हुए क्यों हो? समझ गया। तू मुझे एक बात बता, आज तूने बाऊजी को देखा ना? हाँ देखा, क्यों? अबे मैंने भी बाऊजी को देखा दरवाजा खोलते हुए। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैंने अपने बाबूजी को देखा, तुमने अपने बाबूजी को देखा, लेकिन तुम्हारे बाबूजी तो बिंदु भाभी के अत्याचार से डर के घर छोड़ के भाग गए थे ना, वापस आ गए? यार वो वहीं हैं जंगलों में, मैंने अपने नहीं तुम्हारे बाबूजी को देखा। लेकिन मेरे बाबूजी तुम्हारे घर पे क्या कर रहे थे? भाई मेरे घर पे नहीं तुम्हारे घर पे तुम्हारे बाबूजी को देखा। अच्छा क्या कर रहे थे वो? अरे बताया तो दरवाजा खोल रहे थे। उसमें क्या है, हमारे घर में तो हर किसी को दरवाजा खोलना आता है, हमारा तो बंटी भी दरवाजा खोल लेता है, बस कुंडी हटाओ और दरवाजा पुश करो तो खुल जाता है। चंपू चुप कर, अब मेरी बात ध्यान से सुन। अभी मैं तेरे घर गया था ना तो मैंने घंटी बजाई तो दरवाजा खुला तो सामने बाबूजी थे तो मैंने उन्हें देखा। वाह क्या बोल। समझ गया ये तुम्हारा सपना था। नहीं नहीं ख्वाब था, नहीं ड्रीम था। अब तीनों का मतलब एक ही होता है। हाँ तुम डिसाइड करके बताओ क्या होता है, मेरा तो करेक्टर ऐसा है कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पाता। बंडी बारिकल ए गोगो क्या है? आंटी आपको पता है बंडी ने मेरी पैंट तोड़ दी। ए गोगो ज्यादा दिमाग खराब मत कर समझा क्या, मैंने तेरी पैंट कब तोड़ी? आंटी मैं क्या गिरा कि आपने मेरी पैंट तोड़ी, मैं गिरा कि उस बंडी ने मेरी पैंट तोड़ दी। जब मान हिली है आंटी की सारी तो अब आई है बंटी की बारी। गोगो तू बहुत शैतान है समझा क्या, और बहुत बदतमीज भी है, मेरे बंटी को परेशान करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढता है। मारू क्या? आंटी मेरे कान जोड़े दर्द हो रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? मेरा बंटी कितना सीधा साधा है, डैशिंग है, हैंडसम है, और तू उसे परेशान करता है और उसकी शिकायत घर पे करने आ गया। मैं तेरी शिकायत ना तेरे मम्मी पापा से करूंगी। चल सॉरी बोल। नहीं बोलूंगा, अभी मैं मम्मी पापा को जाकर बताता हूँ कि आपने मुझ पर हाथ उठाया। जा गो गो है ना, तू जाने के अलावा और कर ही क्या सकता है। गो गो चल गो गो। आंटी अगर आपकी जगह आप बंटी होते ना तो मैं उसे एक पंच मारता। मम्मी एक गया। अरे मानसी क्या बात है आज बड़ी खुश हो। मैं समझ गया तुम ये देख के खुश हो रही हो ना, पता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मैं भी बहुत खुश होता हूँ, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर पाता। तुम एक बार करके दिखाओ ना डांस, कितना अच्छा डांस करती हो, करो ना प्लीज करो ना। मौसा जी मैं तो मौसा जी मैं तुमसे उम्र में जरूर बड़ा हूँ लेकिन इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि तुम मुझे मौसा जी बुलाओ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मौसा जी आपको यहाँ क्या हुआ? फिर मौसा जी ये मुझे मधुमक्खी ने काट लिया है, प्लीज मौसा जी नहीं बोलो मेरे को। अरे वो क्या हुआ ना बंटी, सुबह से मेरा सर खा रहा था कि मौसा जी कब आएंगे, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया मौसा जी। और बंटी तेरे मौसा
ये क्या हुआ? मैं जब बोलता हूँ आंखें बंद करो तो आंखें बंद कर लेती है, अभी करके चली गई। आज मेरी कितनी बुरी तरह से इंसल्ट हुई है, किसी ने देख लिया होता तो सोसाइटी में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। दिस इज टू मच। राज, बिंदु डार्लिंग, यहाँ क्यों खड़ी हो, घर चलो। राज, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, मैं छोड़ूंगी नहीं। जी करता है दुनिया हिला दो, मुझे तो हिला दो, मेरी हड्डी हिल जाएगी। राज, तुम्हें पता नहीं लेकिन आज विजय की माँ ने मेरी इतनी बुरी तरह से इंसल्ट की। अरे पड़ी है तो क्या हुआ, हम भी इज्जतदार लोग हैं। मम्मी, अब तो हमारी इज्जत भी नहीं बची है। क्या हुआ? मानसी आंटी ने मारा। मारा? कहाँ मारा? दरवाजे पे। मानसी आंटी ने अपने दरवाजे पे मारा तो तू क्यों रो रहा है? अरे पापा, दरवाजे पे मैं था, मुझे मारा। उस मानसी की इतनी हिम्मत कि मेरे फूल जैसे बच्चे को मारे? मारा तो मारा, मेरे कान भी खींचे। कमाल है, उस दरवाजे पर मुझे बाऊजी दिखाई दिए, उसी दरवाजे पर मानसी ने तुझे मारा, और उसी दरवाजे पे विजय भाई साहब की माँ ने मेरी इंसल्ट की। आज फैसला होकर रहेगा राज, या तो मैं नहीं या वो नहीं। तुम दरवाजा उखाड़ लोगी क्या? ओ शट अप राज, हमें कैसे पड़ोसी चाहिए राज, जो संस्कारी हो, कल्चर्ड हो, शांत स्वभाव के पड़ोसी चाहिए, ना कि गुंडागर्दी करने वाले। मम्मी, अगर उनकी भी डिमांड ये होगी तो? चुप रहे। आओ जी, यहाँ बैठ के अपनी फेवरेट खीर खाओ। गुड्डी, नहीं, और नहीं, बस मैं नहीं खा सकता, बस। मान जाओ ना, इस उम्र में इतनी जिद अच्छी नहीं। मैं इतना मीठा खाऊंगा तो फिर से स्वर्गवासी हो जाऊंगा। अब इतना मत सताओ। हाँ जोड़ता हूँ, ये खीर मेरे पास मत लाओ। आप नहीं मानेंगे तो मैं रूठ जाऊंगी, और अगर मान गया तो मैं मर जाऊंगा। और कितना करेंगे आप, ये तो सपना है और सपना तो अपना है। अच्छा बाबा, लाओ तुम्हारे लिए एक बार फिर से मर जाता हूँ, लाओ। अरे ये तो ठंडी है। देखा, आपकी जिद ने इसे ठंडा कर दिया, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। और हाँ, मैंने ना ठंडी ठंडी फिरनी भी बनाई है, वो भी लाती हूँ। बाऊजी ने कहा था अगर मैं किसी दूसरे का रूप लेती हूँ तो 12 घंटे से पहले अपने असली रूप में नहीं आ सकती। हुई माँ हुई, जल्दी से घुमा दे कड़ी की सुई। हे भगवान, अपनी दया दिखा दे, जल्दी से नौ बजा दे, नौ। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये बंटी मुझे क्यों याद कर रहा था। अरे वो बच्चा है ना, उसे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो तो याद करेगा ना। मानसी, मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ। मैंने ना बाऊजी को देखा, बाऊजी को। भैया, आपने एक बाऊजी को देखा, मैंने दो दो बाऊजी को देखा। मेरी शक्ल देखो। भैया, यू आर हैंडसम। नो, आई एम सीरियस, मजाक नहीं कर रहा हूँ। भैया, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से दो दो बाऊजी को देखा। मानसी, बिंदु भाभी, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हैं आप? आप चुप रहिए भाई साहब, आपको पता नहीं है आपकी मानसी ने मेरे गोगो को मारा है। मानसी ने आपके गोगो को मारा? आपका बेटा गोगो है ये, इतना बदमाश, इसको देखते दिल करता है कि इसको गिरा गिरा के मारे। नहीं। ओए चंपू, अपनी बीवी से पूछ के बच्चे को मारा क्यों, हाथ क्यों लगाया? क्यों हाथ लगा? नहीं, मानसी कभी हाथ नहीं उठाती, इसने कभी आज तक मुझ पे हाथ नहीं उठाया। मानसी ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है, मानसी आंटी ने मुझे मारा, मेरे कान खींचे। अच्छा, इधर बेटा, इधर 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 इधर, कैसे कान खींचे? अच्छा, How dare you? मेरे सामने मेरे बच्चे के कान खींच रहे हो तुम? ये चौहान खानदान पूरा का पूरा पागल है, जंगली कहीं के। बिंदु भाभी, आप हमारे चौहान खानदान को मत टोकिए, प्लीज। आप चुप रहिए भाई साहब। ठीक है बिंदु भाभी, चौहान खानदान की तारीफ हम बाद में करेंगे, अब यहाँ हम बड़ी अलग सी सिचुएशन से जूझ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? ढूंढ नहीं रहे हैं भाभी, जूझ रहे हैं। हमें हमें हमारे स्वर्गीय बाऊजी दिखाई दे रहे हैं। क्या बात कर रहा है यार, मुझे भी बाऊजी दिखे यार। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो बाऊजी नहीं, मैं थी। मैंने खुद देखा है बाऊजी को अपनी आंखों से। बिंदु भाभी, आपने कुछ देखा है? आप चुप रहिए भाई साहब। ठीक है, आज मैंने सिर्फ माँ जी को देखा और माँ जी ने मेरी जम के इंसल्ट की। वाह,
कहाँ है माँ जी? पी लीजिए ना, 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 ना। अरे पेट की सारी हलचल शांत हो जाएगी। गुड्डी मैं यहाँ तक फुल हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पर खाने पीने नहीं, तुमसे प्यार भरी बातें करने आया हूँ। सच मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि हम और आप यूं ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले प्यार की बातें करते हुए घंटों बैठे रहे। घंटों तो नहीं लेकिन 3.5 मिनट तो बैठ ही सकता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ जी। सपना सच होने से कैसा लगता है ना, मुझे आज ही पता चला। लाओ मैं आपके पांव दबा दे। क्या कर रही है? इस उम्र में किसी के पांव नहीं छूते गुड्डी। कमाल है, बहू भी हमेशा उम्र का ताना देती है, आज आप भी उम्र का ताना दे रहे हैं। मैं तो अपनी पत्नी व्रत धर्म का पालन कर रही हूँ ना। क्या हो रहा है? चलिए जी देखते हैं जरा। नहीं मामा, अगर मैं अभी गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो ये तो सपना है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, चलिए ना। लगता है 9 बजने से पहले तेरे 12 बजने वाले मानसी। अरे राज भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता, मानसी भाभी गोगू को नहीं मार सकती। जड्डू तेरा क्या मतलब है, मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? हाँ। बिंदु भाभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि लड़का हिला हुआ। चुप रहिए भाई साहब। जब भी कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ आप कहते चुप रहिए भाई साहब, चुप रहिए। मैं कब तक चुप रहूँ, यूं यूं करता रहूँ, कब तक? मैं चुप नहीं रहूंगा। ओह माय गॉड, मां जी के साथ बाऊजी भी है। बाऊजी बाऊजी पाए लागो बाऊजी। बाऊजी आप यहाँ? भाई सपने में तो आ ही सकता हूँ। बाऊजी आपका घर है, आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ? यहाँ क्या, मैं तो वहां भी हूँ, वो फोटो में देखो। अरे आप लोग वहाँ क्या देख रहे हैं? मानसी तुम यहाँ तो तुम क्या हो गया? ये गांड कैसे हो गई? मम्मी दूसरी अंडा पर्दे के पीछे छुप गई है। कि मेरा सपना खत्म हो गया या अभी चल रहा है? माँ एक सिंपल सी बात अब डिसाइड नहीं कर पा रही। बाबूजी चले गए इसका मतलब ये कि सपना टूट गया ना? क्या बात कर रहे हैं आप, ये सब कुछ एक सपना था? अरे राज भाई आप कभी तो अपनी अकल लगाया कीजिए, हमारे स्वर्गीय बाबूजी सपने में ही आ सकते हैं। माँ जी आप मुझे ये बताइए, आज आपने मेरा इंसल्ट क्यों किया? सपने में बिंदु, सपने में, और सपनों और अपनों की बात का बुरा नहीं मानते। बहू मुझे जरा अदरक वाली चाय पिला दे, सियापति रामचंद्र की। मम्मी आप आंटी से पूछे ना कि उन्होंने मुझे क्यों मारा था। गोगो बेटा सपनों की बातों का कोई बुरा नहीं मानता है। कितनी अजीब सी बात है, लग सब कुछ सच रहा है लेकिन था एक सपना। ओए राज अपना दिमाग मत चलाओ, चलो चलो अभी घर चलो, चलो गोगो। चलो तू गोगो ही है, जाने के अलावा तेरे को करना भी क्या आता है? गोगो चल गोगो। मम्मी जिसने मुझे मारा था वो आंटी नहीं वो बंटी था, ऐसे ही बोल रहा था। राज तुम्हारा ये बच्चा बहक गया है, इसको आंटी और बंटी में फर्क ही नहीं मालूम है। भाई ए फॉर आंटी बी फॉर बंटी। मैं सच ही कह रहा हूँ। चलो 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 इसे शॉक लगवाइए। करंट करंट टटो।
वैसे ये डुप्लीकेट वाला आइडिया इंटरेस्टिंग था लेकिन पुराना था, इसमें कुछ सोचा जा सकता है, सोचा जा सकता है। आता हूं मैं, आता हूं। भाई मासी, मैं जब से आया यही खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं ऊपर जाके थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। जी आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक चाय बना के आती हूँ। हाँ, चलो बंटी। बाऊजी, देख लिया बहू, किसी ने क्या खूब कहा है कि प्यार करना तो बहुत आसान है लेकिन प्यार को बताना, जताना और निभाना बहुत ही मुश्किल है। सच्ची बाऊजी, आज तो मैंने एक्सपीरियंस कर ही लिया। वैसे बाऊजी, एक बात से मैं खुश हूँ कि माँ जी के लिए इससे अच्छा एनिवर्सरी गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता था, है ना? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।